Assalamualaikum, my YouTube family. Welcome to Masara Kitchen. मैं हूँ मारिया सैयद. आज मैं आपके साथ इंस्टेंट सी दही वाले चाट की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ. ईद आ गई है, मेहमान अचानक आ रहे हैं, क्या बनाएं भाई, फटाफट ये चाट बना लें. ये बिल्कुल यूनिक सी अच्छी सी चाट है, उनको स्टार की फिलिंग भी नहीं आएगी. तो यहाँ पे मैंने चार खाने का चम्मच जो है ना वो ले ली है दही, और दही की कंसिस्टेंसी चेक करने अच्छी खासी मैंने थिक दही ली हुई है. देखिए गाढ़ी दही होनी चाहिए इसमें. यहाँ पे ना दो चाय का चम्मच, देखिए बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा इमली का जो पल्प है ना, ये मैंने दो चाय का चम्मच फिलहाल इसमें ऐड किया है, और मेरे ख्याल से बस ये इनफ होगा और बाकी को हम हटा देते हैं. साथ ही यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी हाफ टी स्पून बस ना चाट मसाला. बहुत ज़्यादा चाट मसाला भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हम जितनी रेंज में बना रहे हैं चाट मसाला वो सॉरी ये दही चाट ना, तो उसमें इतना ही चाट मसाला इट विल बी इनफ. और यहाँ पे जो है 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें थोड़ी सी ऐड कर दूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें. ये चला गया इसमें दही की. यहाँ पे अच्छी सी मिक्सिंग हमें कर लेनी है ताकि हमारी दही जो है ना बिल्कुल परफेक्ट सी तैयार हो जाए. इसके साथ ही इसमें हसबे ज़रूरत नमक, जितना नमक आपको अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा करना है आप कर लें. और यहाँ पर जो दही को अच्छी तरीके से इसकी फिटाई करके ना इसको बिल्कुल सेट कर लेना है. अच्छी खासी हमने मज़ेदार किस्म की चटनी जो है यहाँ पे तैयार कर ली है. अभी इसको लगाते हैं साइड पे, और अभी हम शुरू करेंगे अपने चने चाट की जो है प्रिपरेशन, बड़ी मज़ेदार सी जो बनाने वाले हैं यहाँ पर. इसके लिए ना मैंने यहाँ पे 3 प्याली जो है बॉयल चने ले लिए हैं, जिसको मैंने बॉयल करके ना रखा हुआ था, और ये अच्छे खासे बॉयल होने चाहिए, मतलब कि नरम होने चाहिए. 3 प्याली बॉयल चने, उसमें जो है मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का हाफ खीरा, या अगर छोटा खीरा है तो आप वो पूरा ले लीजिए. और इसकी स्किन को ना आपको पिल ऑफ नहीं करना है, मैं इसको स्किन के साथ ऐड कर रही हूँ. मीडियम साइज़ की एक जॉलियन कट जो है अनियन चली जाएगी यहाँ पे, एक जॉलियन कट नहीं सॉरी वो जो स्लाइस कट्स होती हैं वो वाली कट. और मीडियम साइज़ के ना मैंने यहाँ पर ले लिए हैं टमाटोस, और इसको भी मैंने क्वार्टर कट किए. इसके सीड्स को ना मैंने निकाल दिया था और बस इसको मैंने सिंपल सा कट कर लिया था. इन तमाम चीज़ों को ना ऐड करके सबसे पहले तो मैंने ना इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से कर लेना है मिक्स, ताकि तमाम सब्ज़ियाँ जो है ना चने में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए. हो गई मिक्स, अब क्या करना है, यहाँ पे जो हमने दही की मज़ेदार किस्म की इमली वाली चटनी जो बनाई है ना, इसको ना इसके ऊपर देखिए इस तरीके से इसको डाल देना है. बस ये देखिए ये चटनी जो है पूरी इसमें ऐड हो गई है, और अभी जो है इसको बहुत अच्छी तरीके से ना मेक श्योर करना है ताकि चटनी जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाए. ये देखें ये हो रही है, मैं दिखने में ही आपको बहुत आसान लग रही है, लेकिन यकीन जानिए ये किसी कमर्शियल या स्ट्रीट चाट से कम इसका फ्लेवर तो आना ही नहीं है, इतनी मज़ेदार ये चाट लगती है. और यहाँ पे मैंने थोड़े से पापड़ लिए हुए हैं जिनको मैं इसके अंदर ऐड करूँगी. थोड़े पापड़ मैंने मोटे मोटे ना क्रप करके रोक लिया, इसको मैं ऊपर से इसका चाट का अच्छा सा एक परफेक्ट सा ना जो है ना इसका एक अच्छा सा मैं लुक दूँगी यहाँ पर. हो गया जी, अब क्या करना है इसको मिक्स कर लिया. अब यहाँ पे एक खूबसूरत सी सर्विंग सी बॉल ले लीजिए, आपको जो फेवरेट बॉल लगती है ना अपने घर में, कोई ना कोई फेवरेट क्रॉकरी तो होती है. अगर हमें कुकिंग लवर हैं हम तो हमारी कोई ना कोई फेवरेट क्रॉकरी तो होती है, तो वह इस तरह का बाउल ले लीजिए, और उसमें जो है इसको इस तरीके से जो है वो निकाल लीजिए. अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी आपको मेरे साथ में लगे रहना है. और यहाँ पर जो है मैंने रखी थी पापड़ जो मैंने रोक के रखे थे, इसको जो है अच्छी तरीके से ऊपर से हम इसमें जो है वो सजा देंगे. थोड़ी सी यहाँ पे इमली जो है ना इसको इस तरीके से डाल देंगे ताकि यहाँ पे एक लगे कि हाँ जी हमने कोई इमली की चटनी वगैरह यहाँ पे यूज़ किया. थोड़ी सी बस थोड़ी सी हमने चिली फ्लेक्स ना ऊपर से क्रस्ट करके ऐड करनी है ताकि इसका लुक भी खूबसूरत लगे और खाने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी ना लगे. तो यहाँ पे मज़ेदार सी हमारी इंस्टेंट वाली दही चाट जो है ईद स्पेशल तैयार हो चुकी है. रेसिपी पसंद आए लाइक करें, अगर आपने अब तक हमारे चैनल मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.